तो बेसिकली आज की हमारी इस क्लास में आपके साथ हम बात करने जा रहे हैं पिवट टेबल की क्लासेज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पिवट टेबल में हम बात करेंगे ग्रुपिंग, शॉर्टिंग और मूविंग के बारे में, राइट। तो सबसे पहले हम अपने डेटा है, आपके सामने डेटा दिख रहा है, इसी डेटा पे एक पिवट टेबल हम बनाते हैं। पिवट टेबल बनाने के बाद बेसिकली हम एक कोई मान लीजिए कि हम रीजन के हिसाब से ही हमने अपने टोटल ऑफ यूनिट का टोटल ले लिया, ये आ गया, राइट। अब मुझे इसको शॉर्ट करना, तो शॉर्ट करने के लिए आप सिंपली यूज कर सकते हैं राइट क्लिक और यहां से शॉर्ट, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर मुझे शॉर्ट सिटी के अकॉर्डिंग करना है तो इस पे राइट क्लिक करूंगा और शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हम कर सकते हैं, राइट। इसके बाद शॉर्ट इसमें आते हैं, शॉर्ट के अंदर इसमें यहाँ पे कि आपको क्या करना है, रीजन के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है या इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। मैनुअल में आप मैनुअल ड्रैग कर सकते हैं शॉर्टिंग में, मोर ऑप्शंस के अंदर जो है आपका शॉर्ट ग्राउंड टोटल अकॉर्डिंग करना है या फिर वैल्यू सेलेक्ट किए कॉलम उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। हालांकि ये सब चीज़ों का उतना यूज हम लोग करते नहीं है। अब शॉर्टिंग में अगर मान लीजिए दो फील्ड हो, जैसे मैं डेट के साथ हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को भी रख दिया, अब मैं अगर प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे राइट क्लिक करके शॉर्ट करता हूँ तो आपका हर एक सिटी के अंदर जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा शॉर्ट होगा, ओके। जी लेकिन अगर मैंने सिटी के आगे रखा तो आपका सिटी ऊपर से नीचे, राइट सर। और शॉर्ट जरूरी नहीं है कि आप लेफ्ट टू राइट ही करें, आप शॉर्ट सॉरी टॉप टू बॉटम ही करें, आप शॉर्ट जो है लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। जैसे हम प्रोडक्ट को उठा के कॉलम में रख दिया तो अब हम कॉलम के हिसाब से भी शॉर्ट कर सकते, ठीक है। तो कॉलम के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं इसको आराम से, राइट। जी जी अब इसमें हम बात करते हैं मूविंग की। मूविंग मतलब मुझे शॉर्ट जब करते हैं तो अपने हिसाब से होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि दिल्ली सबसे टॉप पे आना चाहिए, तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ मूव मूव में दिल्ली अप कर देंगे, या फिर मान लीजिए दिल्ली के नीचे मुझे दिल्ली ऊपर करना है, यहाँ आप राइट क्लिक करके अप करेंगे ऊपर जाएगा, और मूव में अगर मैं करता हूँ फ्रॉम बिगनिंग तो शुरुआत में आ जाएगी। और अपने हिसाब से भी आप इस तरह से क्लिक करके भी आप अपना सिक्वेंस अरेंज कर सकते हो ओके इस तरह से, हम सिक्वेंस अरेंज कर सकते, ठीक है। और ये चीज भी आप कॉलम के साथ भी कर सकते हैं कि मान लीजिए मैं टाइप को यहां रख दिया तो मुझे रिपीट को पहले रखना था तो इसको सेलेक्ट करके रिपीट को पहले कर दीजिए या न्यू को पहले कर दीजिए, इस तरह से आप यहां भी फिर कर सकते हैं मूविंग, ओके सर। तो जी मूविंग और शॉर्टिंग दोनों समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी मूविंग शॉर्टिंग समझ में आ गया। जी आ गया आ गया आ गया अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक और आता है कि ग्रुपिंग, जैसे आप देख सकते हैं दिल्ली, जिजियन, फरीदाबाद, नोएडा। अब ये सारे हमारा एक ही दिल्ली एनसीआर कहलाता है, क्या कहलाता है, दिल्ली एनसीआर। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली एनसीआर के अंदर दिखे एक एक जगह दिखे, अलग अलग ना दिखे, अलग अलग देने फिर जोड़ना पड़ जाता है। तो यहाँ आप तीनों को सेलेक्ट कर लें, फिर नोएडा को कंट्रोल करके सेलेक्ट कर लें, और जो सेलेक्ट करना आप कंट्रोल से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करें और यहाँ करें ग्रुप, एक ग्रुप आ जाएगा। तो ये देखिए ग्रुप वन आ गया, उसके अंदर यहाँ आ गया, और नीचे यहाँ देखेंगे आप आपके पास तो ये रीजन टू आएगा, और रीजन आएगा तो रीजन आपका पुराना था, रीजन टू नया आएगा।
रीजन्स को यहाँ से कर दीजिए रिमूव, रीजन को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। पर जब ग्रुप वन दिख रहा है, जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने कर दिया दिल्ली एंड एनसीआर, दिल्ली एंड एनसीआर, एनसीआर, ओके। तो यहाँ से देख सकते हैं कि दिल्ली और एनसीआर यहाँ पे आ रहा है, इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं। देखिए ग्रुप में और भी चीजें, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ यूनिट को रख दिया, यहाँ दिख रहा है 20 तक का यूनिट आया, और फिर मैंने रेवेन्यू कर दिया। तो एक एक ऑर्डर जिसकी क्वांटिटी एक थी, जो ऑर्डर आया है उसकी हम सेल की है, एक पीस सिंगल पीस हमने बेचा है 84,142 का, दो पीस वाले ऑर्डर जितने आए थे इतने आए थे, तीन पीस वाले इतने आए, चार पीस वाले इतने आए, अभी तो सब 20 तक है, लेकिन हो सकता है 200 तक हो, 2000 तक हो। तो ऐसे देखना सही नहीं, एक स्लैब हो कि 1 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, या 1 to 100, 1 to 1000, क्या? तो उसके लिए आपको यहाँ पे आके राइट क्लिक करके ग्रुप कर, लेकिन ग्रुप करते समय ध्यान रखिएगा इसमें ब्लैंक या इसमें किसी तरह का टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। फिर ग्रुप ग्रुप में मिनिमम और मैक्सिमम इसने ऑटोमेटिक ले लिया, अब इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने 0 to 100 कर दिया, और ग्रुप बाय यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10 आएगा, मैं यहाँ पे 5 लिख दिया, या 1 आएगा या 100 आएगा, तो यहाँ आप अपने हिसाब से रख दीजिए। तो 0 to 4, 5 to 9, 10 to 15, 15 to 90, और यहाँ पे टोटल, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे हमें एक बेनिफिट मिल गया, क्या सर बेनिफिट मिला? जी 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 जी। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसी में मान लीजिए डेट है आपके पास, जैसे हमने इंसर्ट किया पिवट टेबल और डेट रखते हैं, हालांकि डेट हमारा ये है एक ही मंथ का है, लेकिन मान लीजिए मैंने इसको कई सारे मंथ का डेट बना दिया, तो एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब मैं रिफ्रेश, अब मैं यहाँ डेट को उठा के रो में रखता, तो बाय डिफॉल्ट देखिए फैब वाइज ग्रुप हो गया, मंथ वाइज हो गया ना, राइट क्लिक करके इसको आप अनग्रुप कर सके, और फिर से आप अपने हिसाब से ग्रुप कर सकते हैं। तो राइट क्लिक, मैंने क्लिक किया ग्रुप पे, ग्रुप में आप मंथ वाइज करना चाहे तो मंथ वाइज ग्रुप हो जाएगा, आप ग्रुप करना चाहते हैं मंथ और डेट वाइज तो मंथ और डेज वाइज, या मंथ एंड क्वार्टर वाइज ग्रुप करना चाहे क्वार्टर वाइज ग्रुप हो जाएगा, आप क्वार्टर को उठा के कहीं और रखना चाहते हैं तो कहीं और रख सकते हैं, ठीक है। जी जी जी, रिपोर्ट बन जाएगा, लेकिन मुझे क्वार्टरली नहीं चाहिए, मुझे ग्रुप चाहिए 15-15 दिन की, तो ग्रुप करते समय क्वार्टर को यहाँ से हटाना होगा, ठीक है, मंथ को हटाना, सिर्फ डे सेलेक्ट करेंगे, देखिए दो सेलेक्ट करेंगे तो हाईलाइटेड नहीं होगा, जैसे एक सेलेक्ट करेंगे ये आपका हाईलाइटेड है। अब इसे मैंने 15 डाला एंड ओके किया, तो आप देख सकते हैं कि 1 से 15, 16 से 30, 30 से 38 आ गया, समझे? तो इस तरह से हम ग्रुप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन की, तो हमने शॉर्टिंग, मूविंग, ग्रुपिंग तीन टॉपिक कर लिया, चौथा टॉपिक आता है फिल्टर की। फिल्टर जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नेम बाय कस्टमर के नेम बाय रिपोर्ट बनाया, अब मुझे इसमें से किसी नेम का, किसी पर्टिकुलर कस्टमर का नेम नहीं चाहिए, जैसे पूजा और रवि का नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से पूजा और रवि को हटा दिया, जैसे नॉर्मली फिल्टर में करते ही आ जाए। उसके अलावा यहाँ आपके पास दो फिल्टर है, लेवल फिल्टर एंड वैल्यू फिल्टर। तो लेवल फिल्टर है ये आपके नेम पे लगेंगे, वैल्यू फिल्टर आपके वैल्यू पे लगेंगे। तो नेम फिल्टर में आप यहाँ पे वैल्यू फिल्टर, लेवल फिल्टर पर आते हैं, तो यहाँ इक्वल डज नॉट इक्वल बिगेन डज नॉट बिगेन विद एंड विद Does not end with contain, does not contain, greater than, less than, ये चीज़ आप यूज कर सकते हैं। तो बिटवीन वगैरह भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे जो देना चाहे दे सकते हैं। और इसी तरह से आप अपने वैल्यू फिल्टर में
इक्वल इज नॉट इक्वल ग्रेटर देन सर टॉप 10, इसमें मुझे टॉप 10 चाहिए, टॉप 5 चाहिए, तो टॉप 5 सेलेक्ट करके ओके कर दिया तो टॉप 5 आ गया। और इस सेम फिल्टर हम करते हैं कॉलम पे, तो जो हम रो पे करते हैं वो काम कॉलम पे भी करते हैं। जैसे रीजन कर लिया और मुझे रीजन में टॉप चाहिए, टॉप 3 चाहिए, तो मैं यहाँ वैल्यू पे गया और टॉप 3 लिख लिया, डाल दिया। तो ये टॉप टॉप 5 हो गई हमारे नेम वाइज और टॉप 3 हो गया हमारा सिटी वाइज। इस तरह के फिल्ट्रेशंस कर सकते हैं। फिल्टर बाय कलर है, कलर भी फिल्टर है इसमें है तो कर सकते हैं। अब इसमें एक आता है पेज फिल्टर। पेज फिल्टर इसमें प्रोडक्ट को उठाया और रख दिया इसमें फिल्टर। अब यहां से जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा, जो 3D CL सेलेक्ट कर लिया, तो पूरा रिपोर्ट 3D CL के अकॉर्डिंग, इसको पेज फिल्टर मतलब। तो पूरा पिवट रो कॉलम नहीं, पूरा पिवट इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। मल्टीपल सिलेक्शंस में मल्टीपल कर सकते हैं और आप मल्टीपल पिवट ये भी फिल्टर भी रख सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी है इसके ऊपर हमने डाल दिया, टाइम हम इसके नीचे डाल दिए, तो ये चीजें हम यहाँ पे एक एक करके अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी अब कुछ चीजें हैं, एक इसकी बात कर लेते हैं, इसकी ऑप्शंस की सेटिंग्स की। जब किसी पिवट पर राइट क्लिक करते हैं तो पिवट टेबल ऑप्शंस आता है। सबसे पहले मर्ज, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आपका अगर ब्लैंक हो, जैसे ब्लैंक को जीरो कर दिया और अब जीरो हो जाएगा, हो गया। उसके बाद पिवट टेबल ऑप्शंस में यहाँ है ऑटो फिट कॉलम विड्थ वेन्यू अपडेट। जैसे आप कॉलम की साइज अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, लेकिन जैसे रिफ्रेश करेंगे ना तो हट जाएगा। फिर आता है प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग। रिफ्रेश करने पे आपका फॉर्मेटिंग चेंज ना हो, अगर इसको अनचेक कर देंगे तो कोई भी फॉर्मेटिंग होगा, जैसे रिफ्रेश करेंगे फॉर्मेटिंग सारा नॉर्मल हो जाएगा, पहले जैसा ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद टोटल फिल्टर्स में आपको टोटल में फिल्टर्स नहीं शो करना, तो यहाँ से शो नहीं कर सकते। डिस्प्ले की बात करें तो कलेप्स बटन होता है उसको हटा सकते हैं। ए टू जेड सॉर्ट डेटा सोर्स ऑर्डर या सॉर्ट ए टू जेड अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट होगा। डेटा में डबल क्लिक करने पे जो अनेबल सो डिटेल होता है हट जाएगा, फाइल के साथ सोर्स नहीं रखेगा, और साथ में रिफ्रेश जब फाइल ओपन होगी तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये चीजें यहाँ सब सेटअप कर सकते हैं। बाकी आप पिवट टेबल एनालाइज में आते हैं तो बाकी जो है यहाँ पे आपको दिखता है। ठीक है। ओके।